बॉक्सिंग के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स कौन से हैं? बॉक्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टॉलीवुड इंडस्ट्री की एक अपकमिंग हाइप्ड मूवी लिगर के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है पूरी जगन्नाथ ने। लिगर मूवी के बारे में हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन दिखाया था, आप चाहे तो चैनल को स्क्रॉल करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मूवी टोटली बॉक्सिंग बेस्ड होने वाली है, जिस वजह से इस मूवी में लीजेंडरी बॉक्स माइक टायसन को भी हायर किया गया है। अब बॉक्सिंग की बात हो रही है तो चलिए एक बार जानते हैं बॉक्सिंग स्पोर्ट के टॉप 10 मोमेंट्स के बारे में, जो कि किसी भी बॉक्सर के लिए सहना लगभग नामुमकिन है। बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पंचेस और उन्हें जिस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। तो चलिए पंचेस और उनके एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं नोनितो डोनायर के लेफ्ट हुक से। बॉक्सिंग में बहुत लीजेंड्स आते हैं और अपना एक नाम खड़ा करते हैं अपने गेम प्ले से, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बॉक्सर्स होते हैं जो कि अपने फाइनल मूव के लिए जाने जाते हैं। नोनितो डोनायर एक ऑर्थोडॉक्स स्टैंस के बॉक्सर थे, जो कि पूरी तरह से अपने लीडिंग हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड को आगे रखते थे फाइटिंग के दौरान, जिस वजह से अपनी पंचिंग अटैक के बाद वो गेम को लेफ्ट हुक से फिनिश करते हैं, जिसे कोई भी बॉक्सर सह नहीं सकेगा। लिस्ट में 9th मूव भी एक लेफ्ट हुक ही है, बस फर्क इतना है कि ये लेफ्ट हुक बॉडी पे पड़ता है। हम बात कर रहे हैं माइगुल कोटो के लेफ्ट हुक टू द बॉडी के बारे में। कोटो अपने अपोनेंट को अपने हैमर लेफ्ट हुक से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अपने इसी सुपर स्ट्रॉन्ग मूव की वजह से कोटो फर्स्ट एवर 4 डिवीजन वर्ल्ड चैंपियन बने थे। मूवी में ये सभी मूव्स को करते हुए लिगर भी दिखाए जाएंगे, लेकिन लिगर का कौन सा मूव सबसे बेस्ट होगा ये तो हमें अब मूवी में ही पता चलेगा।